आप अपने हिसाब से टाइम को सेटिंग कर सकते हैं। देखिए सर्विस लाइट ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये बजाज कंपनी का पल्सर NS 200cc बाइक है। अभी इस बाइक के हम यहाँ पे करने वाले हैं सर्विस लाइट रीसेट, और टाइम को कैसे सेटिंग करना है, सर्विस लाइट को कैसे ऑफ करना है, ट्रैप मीटर को कैसे रिमूव करना है, जीरो करना है, टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम बाइक का इग्निशन यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। देखिए इग्निशन को हमने प्रॉपर ऑन कर लिए और आपको यहाँ पे देख रहे हैं सर्विस लाइट बिलिंग कर रहा है बाइक का। आपको टाइम को कैसे सेटिंग करना है, सर्विस लाइट को कैसे रिमूव करना है, और यहाँ पे जो आपको मीटर दिखाई देते रहते हैं ट्रैप वन ट्रैप भी, उसको कैसे रिमूव करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए दो बटन मिल रहा है, एक पे यहाँ पे एम लिखा है एक पे एस लिखा है। पहले हम क्या करेंगे, मूड वाले बटन को दबाएंगे। मूड वाले बटन को दबा दिए, ट्रैप वन आ गया, इसी को दोबारा जरा पुश कर दिया तो ट्रैप बी आ गया, फिर इसको पुश किया तो ऑडियो आ गया। अगर आपको मान लीजिए ट्रैप वन को रिमूव करना है यहाँ पे तो पहले से जीरो है, ट्रैप वन पे ला करके एस वाले बटन को कुछ देर पुश कीजिएगा तो मीटर जीरो हो जाएगा। ये मीटर पहले से जीरो है तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अगर इसके जगह हम ट्रैप टू यानी ट्रैप टू जो है इसको हम जीरो करके आपको दिखला रहे थे, यहाँ पे ला करके आपको एस वाले बटन को कुछ देर पुश करेंगे, देखिए मीटर जीरो हो गया। टाइम को सेटिंग करने के लिए आपको मूड वाले बटन को पुश करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे ऑडियो लिखा है तो इसको क्या करना है, आपको ट्रैप वन पे ला करके मूड और एस दोनों बटन को आपको एक साथ पुश करके रखना है। देखिए दोनों बटन हम एक साथ पुश करके रखें, टैम बिलिंग करने लगा। ये टैम जो बिलिंग करने लगा आप क्या करना है, आपको एस वाला बटन को जो पुश कीजिएगा यहाँ पे देखिए मिनट चेंज हो रहा है। आप अपने हिसाब से टैम को सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल 1:42 हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले मिनट को सेटिंग कर लेंगे एस वाले बटन को पुश करके यहाँ पे 42 ला लेंगे। देखिए 42 हो गया। आप क्या करें एस वाले बटन को पुश करेंगे टाइम सेटिंग होगा। अभी एएम नहीं है, एएम नहीं बजा, इसको पीएम में सेटिंग, फिर इसको पुश करते रहिए तो आप पीएम में चला जाएगा। 1:42 हो गया, टाइम बिल्कुल सेटिंग हो गया। सेटिंग होने के बाद तुरंत बाद आपको दोनों बटन को एक साथ आपको पुश करके रखना है। देखिए बीच में आपको जो टाइम के बगल में दो बुनका दिखा रहा है वो बिलिंग जब तक नहीं करने लगता है तब तक आपको टाइम को कुछ नहीं करना है। बुनका बिलिंग कर ले इसको छोड़ देना है। अगर टाइम सेटिंग करने के बाद दोनों बटन को आप पुश नहीं करते हैं एक साथ तो टाइम फिर से खराब हो जाएगा, टाइम पहले जैसा हो जाएगा। अब आप बाइक को इग्निशन ऑफ ऑन करके आपको दिखला रहे, देखिए टाइम गलत नहीं हुआ, टाइम सही होगा। देखिए अब टाइम प्रॉपर सेटिंग हो गया। तो टाइम सेटिंग करने के बाद आपको दोनों बटन को कुछ देर पुश करके रखना है तभी आपके बाइक का टाइम जो है वो सही बन पाएगा। अब बारी आ गया यहाँ पे कि सर्विस लाइट को कैसे ऑफ करना है। सर्विस लाइट आपको ट्रैप वन पे भी ऑफ हो जाएगा, ट्रैप बी पे भी ऑफ हो जाएगा, या फिर ऑडियो पे भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एम वाले बटन को पुश करके ऑडियो ला लूँगा। देखिए ऑडियो ला लिए, अब एम वाले बटन को ऑडियो पे ला करके इग्निशन को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद एम वाले बटन को कुछ देर पुश करके रखना है और इग्निशन को यहाँ से ऑन कर देना है। देखिए इग्निशन ऑन करके रखें, कुछ देर के बाद क्या है सर्विस लाइट ऑटोमेटिक बिलिंग करने लगेगा। देखिए सर्विस लाइट बिलिंग करने लगा। अब ये जो है एस वाले बटन को, अब देखिए मूड वाले बटन को छोड़ करके एस वाले बटन को कुछ देर पुश करके रखना है। देखिए सर्विस लाइट ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से बाइक का सर्विस लाइट को ऑफ कर सकते हैं, टाइम को सेटिंग कर सकते हैं, ट्रैप वन ट्रैप बी मीटर को आप जीरो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।